हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है पीएचई के क्वांटिटी ऑफ सीवेज जो कि यूनिट 8 है उसके बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो है पहला जो है उसके प्रभावित क्वांटिटी को प्रभावित करने वाले कारण हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि रेट ऑफ वाटर सप्लाई है, हम जनरली मान के चलते हैं कि 60-70% जो होता है वो पानी जो है कन्वर्ट हो जाता है वाटर सप्लाई का सीवेज के अंदर। ठीक है, पॉपुलेशन में मैंने बताया आपको कि इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी भी सीवेज की ज़्यादा होगी। एरिया है तो जैसे रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे कम सीवेज डेवलप होगा, उत्पन्न होगा, तो इंडस्ट्रियल में ज़्यादा होगा। ग्राउंड वाटर का है कि अगर फॉल्टी जॉइंट वगैरह से जो है आपके ग्राउंड का जो पानी है वो सीवर लाइन के अंदर आ जाता है तो इसको जो है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कहते हैं, तो इससे आपके ज़्यादा इसके क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद में आपके एक ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है और एक वेट वेदर फ्लो क्या होता है। ठीक है, ड्राई वेदर फ्लो के अंदर जो है जो इंडस्ट्री का और जो रेजिडेंशियल है वो पानी जो हम लेते हैं उसको हम ड्राई वेदर फ्लो कहते हैं, और अगर स्ट्रॉम वाटर वाटर को हम इंक्लूड कर लेते हैं ठीक है तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे, वेट वेदर फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो एक और है कि जो फ्लो जो होता है उसका वेरिएशन होता है। ठीक है, ये अभी तक अपने जो भी उधर पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था वो है आपके क्वांटिटी कितनी उत्पन्न होगी, लेकिन क्वांटिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू मंथ और अकॉर्डिंग टू आवर जो है ठीक है उसमें चेंज होती रहती है। जैसे सीवेज का वेरिएशन है ठीक है, समर के अंदर जो है वो ज़्यादा होगा और रेनी सीजन के अंदर वेरिएशन कम होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके जो है डेली रूप में संडे को ज़्यादा होगा और अदर डे को बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये वेरिएशन होता है, इसी तरह से आवर भी होता है। मॉर्निंग आवर के अंदर सीवर जो है ऑफिस टाइम के अंदर जो है सीवर का जो वेरिएशन है वो ज़्यादा होगा, जबकि दोपहर के टाइम में 1 बजे जो है सीवर का फ्लो कम होगा। तो इनको फ्लो को भी आपको इसके अंदर जब आप सीवर डिज़ाइन करेंगे तो इसको चेक करना है। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिकली देखें तो मैक्सिमम टू एवरेज फ्लो सीवेज है वो बिटवीन 1.5 to 1 लेना है और एवरेज टू मिनिमम है वो 1.2 to 1 लेना है। ठीक है, इस ये आपकी जब डिज़ाइन करेंगे आपको तो ये चीज़ आपको ध्यान के अंदर रखनी है कि मैक्सिमम फ्लो टू एवरेज फ्लो है उसका वैल्यू 1.5 to 1 होना चाहिए और एवरेज टू मिनिमम जो है वो 1.2 to 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद के अंदर जो है आपको कि स्ट्रॉम वाटर है। ठीक है, तो स्ट्रॉम वाटर जो है आपके जो है उसको इसको हम जो है वेट वेदर फ्लो भी कहते हैं, मैंने आपको पिछली साइड में बताया था। तो स्ट्रॉम वाटर है ठीक है या स्ट्रॉम सीवेज है उसकी क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो स्ट्रॉम वाटर की क्वांटिटी जो है एक तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी ठीक है उतना ही आपके स्ट्रॉम वाटर ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, एक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट एरिया, अगर कैचमेंट एरिया कैसा है, सैंडी एरिया है या पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया के अंदर जो है आपके जो स्ट्रॉम वाटर है वो ज़्यादा होगा और सैंडी एरिया के अंदर कम होगा, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है ठीक है जो पहाड़ी एरियो के अंदर तो क्या होता है परकुलेट नहीं होता है, वो ऑब्जर्व नहीं होता है, वो टोटल जो है रन ऑफ के रूप में आपके इकट्ठा हो जाता है और कहीं जाके मिल जाता है जैसे रिवर वगैरह है या कहीं पे। ठीक है, और सैंडी एरिया के अंदर वो अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए क्या है कि कैचमेंट एरिया कैसा है उस पर आपके ये डिपेंड करता है। इसी तरह से आपकी बारिश जो है वो कितनी ड्यूरेशन से चल रही है, अगर शॉर्ट के अंदर है तो आपके जो है स्ट्रॉम वाटर जो फ्लो है वो बहुत कम होगा, लेकिन अगर रेन का ड्यूरेशन अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉम वाटर जो है ज़्यादा उत्पन्न होगा। साथ साथ के अंदर जो है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है, विंड कितनी है और ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके ऊपर भी स्ट्रॉम वाटर जो है वेट वेदर फ्लो डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके जो है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा ठीक है, और विंड होगी ज़्यादा तो भी उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी होगी तो उसमें भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो जो आपके फ्लो है वो कम होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉम वाटर जो है हम जो है दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो रेशनल मेथड होते हैं और एक होता है एम्पेरिकल मेथड होते हैं, तो इनके जो है आपके फॉर्मूलेज होते हैं ठीक है, तो इनसे आपको स्ट्रॉम वाटर की क्वांटिटी है वो निकालनी है। ठीक है,
इसके बाद के अंदर आपके जो हैं, जब भी हम सीवर को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो जैसे आपके नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी है, ठीक है, नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो कि जो सिल्ट और अदर जो पार्टिकल होते हैं वो जो है सीवेज के अंदर जो है वो उसके अंदर सेटल नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि सिल्ट वगैरह को सेटल नहीं होने देती है, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो सीवर जो है क्लॉग नहीं हो जाए। तो इसको बोलते हैं अपन नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कि सिल्ट वगैरह को सेटल, तो इसको नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी कहते हैं। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी होती है वो होती है हाईएस्ट वेलोसिटी, ठीक है, हायर हायर साइड के अंदर होती है। तो जब फ्लो टर्बुलेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है कंटिन्यूस जो है इंटीरियर जो सरफेस होती है सीवर की उस पर कॉरोजन होता है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो वेलोसिटी हमको कंट्रोल में करना है उसको लिमिटेड मैक्सिमम होने चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो सरफेस है वो स्कोर नहीं हो, जिससे कि क्या अब्रेशन वो नहीं हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपको नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। अब सेल्फ क्लोनिक्स वेलोसिटी होती है वो आपके जो है इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है, नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग के बीच की जो होती है वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है। तो इस वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो सस्पेंशन के अंदर रहते हैं, ठीक है, ना तो सिल्ट वो जो बॉटम के ऊपर सीवर के वो सेटल होती है और ना ही वो बॉटम को स्कोर करती है, ठीक है। तो जो सिल्ट वगैरह होती है या जो वो सस्पेंशन के अंदर रखती है उसको बोलते हैं अपन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, ठीक है। एक होती है ट्रांसपोर्टेशन वेलोसिटी। ट्रांसपोर्टेशन वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो कि सीवर के अंदर अगर ग्रिट और हैवी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, वो भी उसके अंदर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है कम से कम जो है एक दिन के अंदर जो है आपके 2 या 3 बार उसमें ट्रांसपोर्टिंग वेलोसिटी भी डेवलप हो जानी चाहिए, जिससे कि वो ग्रेट और हेवी इनकोरिंग मटेरियल जो है अगर वो सीवर के ऊपर सेटल हो गए तो वो भी वाश आउट हो जाए। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके सीवर के अंदर जो है वाटर की जो एक तो सीवर जो है वो ग्रेविटी फ्लो के द्वारा मतलब ग्रेविटी फ्लो की कंडीशन के अंदर बहता है, वहाँ पे सीवर जो है कभी भी प्रेशर फ्लो के अंदर नहीं बहता है, ठीक है। तो जो डेप्थ होती है वाटर वेस्ट वाटर की, जो फ्लो की डेप्थ होती है वो जनरली हम अकॉर्डिंग टू शेप जो है हम जो सीवर का शेप है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो जनरली जो वेस्ट वाटर के लिए या सीवर के लिए जो है हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन चूज़ करते हैं, इसका कारण ये है कि इसमें एक तो हमको यूनिफॉर्म कर्वेचर मिल जाता है और मैक्सिमम जो है एरिया मिल जाता है अगर पेरिमीटर आपके पास में कम हो तो, ठीक है। तो अगर सर्कुलर सेक्शन हाफ या फुल अगर रन होता है तो हमको जो है HMD जो है गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर मैक्सिमम मिलती है, इसलिए हम सर्कुलर सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये मोस्ट इफ़िशियंट होता है सर्कुलर सेक्शन और इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है। तो हम जो है उसको फुल फ्लो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सीवर के अंदर क्या होता है कि जब भी सीवर के अंदर वेस्ट वाटर बहता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, ठीक है। उस गैसेस को रिमूव करने के लिए हम जगह जगह वेंटिलेशन शाफ्ट लगाते हैं। अगर आप शाफ्ट नहीं लगाएंगे तो उसके अंदर सीवर के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा और वो ब्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वेंटिलेशन कंसिडरेशन के हिसाब से जो है सीवर है कभी भी जो है फुल रनिंग फुल नहीं बहता है या प्रेशर के रूप में नहीं बहता है। तो इसके लिए आपको कुछ ऊपर जो है उसकी डेप्थ जो है वो कम उसके ऊपर का जो सतह होती है उसकी छोड़ देते हैं हम खाली, जिससे कि वो वेंटिलेशन का काम करें। तो स्मॉल सीवर है जिसकी डायमीटर जो है 0.4 मीटर होती है, तो उसको हम जनरली जो डिज़ाइन करते हैं उसकी हाफ डेप्थ के रूप में ही वो फ्लो हो, ठीक है। और अगर सीवर की डायमीटर जो 0.4 to 0.9 मीटर हो तो उसको 2/3 उसकी डेप्थ तक जो है हम उसको फ्लो कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा हो तो आप 3/4 डेप्थ तक जो है पीक डिस्चार्ज के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बाकी की जो ऊपर की जो सतह होती है
वो आपके वेंटिलेशन का काम करती है। तो इस प्रकार जो है हम डेप्थ का भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू। ये सम रेफरेंसेस है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं।